दोस्तों इस वीडियो में स्पीडी करेंट अफेयर हम लोग करने वाले हैं, जिसमें टोटल 812 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जनवरी 2023 फरवरी 2023 से जनवरी 2024 तक के, तो इस बीच में आपको करंट अफेयर देखने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके UPP एग्ज़ाम्स के लिए, SSC GD के लिए और भी जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ पहला प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल मैक्रो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा नीलम शरण को गौर को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो कौन सी टीम ने खिताब जीता है? तो हरियाणा ने, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले IPL इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा मिशेल स्टॉक, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा रिजुल मैनी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किस लेखक लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? इसका राइट उत्तर होगा पुष्परान भारती, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस देश की महिला क्रिकेटर नायरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया के हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीतिका कौल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा कंचन देवी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट उत्तर हो जाएगा नागालैंड ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार का उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजीव। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप ADC कौन बनी है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनीषा पाढ़ी। चलिए आगे देखेंगे, 1 दिसंबर को BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट उत्तर होगा 59वां स्थापना दिवस। चलिए आगे देखेंगे, भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर कौन बनी है? महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिशा नाइक। चलिए आगे देखेंगे, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट उत्तर हो जाएगा इटली ने। चलिए आगे देखेंगे, किस देश के अंग कोरवाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया। चलिए आगे देखेंगे, 26 नवंबर NCC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 26 नवंबर को NCC का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है, राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन
आईएसए का अध्यक्ष बनाया गया है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा गल्फ ऑफ अडेन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखेंगे, FIS प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट उत्तर हो जाएगा आपका हार्दिक पांड्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शमी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए 13,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है। तो भूमि राशि जो पोर्टल है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता है। तो हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने जीता है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 28, राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रहलाद जोशी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट उत्तर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, इसका राइट उत्तर हो जाएगा पूनम खेत्रपाल सिंह को। आगे देखेंगे, हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसका राइट उत्तर होगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। 32, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों होगा, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 33, IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है। इसका राइट उत्तर होगा सनराइजर्स हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किया है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हरियाणा ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट उत्तर हो जाएगा रमन सिंह को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 36, पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 37, हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा कुवैत, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा नाथन लियोन, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, इजरायली ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो इजरायल ने किसे भारत में नए राजदूत के लिए नियुक्त किया है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा रूबेन आजार को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा,
किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची मोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की? क्वेश्चन नंबर 40, उसका राइट उत्तर हो जाएगा शेख हसन खान, ऑप्शन नंबर सी। 41, आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 41, आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान हार्दिक पांड्या को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर होगा। 42, फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तार मुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 42, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम डॉकयार्ड। 43, BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा MS धोनी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 44, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतिम पंघाल को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 45, इसका राइट उत्तर हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 46, तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? 46 नंबर का राइट उत्तर होगा फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? 47, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुभमन गिल। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। TMC के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है? 48 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नुसरत जहां रूही को। चलिए आगे देखेंगे। 49 नंबर, किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा नितिन साहनी को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। समुदायों को नेतृत्व करने दो विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्व एड्स दिवस। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा फातिमा वसीम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 52, करेक्ट उत्तर हो जाएगा कबीर बेदी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की NGO को सम्मानित किया गया है? इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। चलिए आगे देखेंगे। गेंद के लिहाज से T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य कुमार यादव। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 337 मिलियन। आगे देखेंगे। पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 56, इसका राइट उत्तर हो जाएगा जावेद अख्तर को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 57, इसका राइट उत्तर हो जाएगा निखिल डे को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखेंगे। 58, वार्षिक शार अमरतला तोग्र्या महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 58, करेक्ट उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 59, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 59, करेक्ट उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास विन बैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 60, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वियतनाम।
चलिए नहीं देखेंगे। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 61। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए आगे देखेंगे। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 62। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। चलिए आगे देखेंगे। 63। क्लाइमेट चेंज फॉर परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? क्वेश्चन नंबर 63। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वां। चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? क्वेश्चन नंबर 64। इसका राइट उत्तर होगा लाहौर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 65। इसका राइट उत्तर होगा जेमिनी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? क्वेश्चन नंबर 66। इसका राइट उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? 67। इसका राइट उत्तर होगा अर्जुन मुंडा को, ऑप्शन नंबर बी। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 68। इसका राइट उत्तर हो जाएगा टेलर स्विफ्ट को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 69। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 69। इसका राइट उत्तर होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 70। इसका राइट उत्तर होगा अक्षता कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? 71। इसका राइट उत्तर होगा सैम ऑल्टमैन को। नेक्स्ट देखेंगे। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? 72। इसका राइट उत्तर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73। किस देश में के मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? क्वेश्चन नंबर 73। इसका राइट उत्तर होगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 74। इसका राइट उत्तर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखेंगे। 75। पहले सर्वेक्षण पोत वृहद संध्यायों को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, इसका निर्माण किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 75। इसका राइट उत्तर हो जाएगा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा 86वां, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? इसका राइट उत्तर होगा बिहार सरकार, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 78। इसका राइट उत्तर हो जाएगा मीरा चंद को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे। किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन CPR पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 79। इसका राइट उत्तर होगा डॉक्टर मनसुख मांडविया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 80। इसका राइट उत्तर हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दुनिया की पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 81। इसका राइट उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 82, समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? क्वेश्चन नंबर 82 राइट उत्तर हो जाएगा IIT रोपड़। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुना गया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 83 इसका राइट उत्तर हो जाएगा लंदन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? क्वेश्चन नंबर 84 इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गजराज सुरक्षा। COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 85 इसका राइट उत्तर होगा दुबई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 86 इसका राइट उत्तर होगा नागालैंड में। 87 नंबर देखेंगे, पीएम मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 87 इसका राइट उत्तर होगा देवघर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 88 सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 88 इसका राइट उत्तर हो जाएगा पंजाब ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 89 इसका राइट उत्तर हो जाएगा रियाद में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर होगा, रियाद। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 90 इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल डगलस को। नेक्स्ट देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? क्वेश्चन नंबर 91 इसका राइट उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 92 इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 93 इसका राइट उत्तर होगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया गया? 94 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युगांडा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चक्रवात माइकोंग को किस देश ने नाम दिया है? क्वेश्चन नंबर 95 इसका राइट उत्तर होगा म्यांमार ने, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे। हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 96 राइट उत्तर होगा सुगंति सुधर राज को। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है? क्वेश्चन नंबर 97 इसका राइट उत्तर होगा 3 वर्ष के लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर उज्ज्वला है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 99 राइट उत्तर हो जाएगा लॉरा वॉलवर्ट को। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है? क्वेश्चन नंबर 100 इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व। आगे देखेंगे। किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का JCB अवार्ड जीता है? क्वेश्चन नंबर 101 इसका राइट उत्तर हो जाएगा तमिल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखेंगे। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? क्वेश्चन नंबर 102 इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉल लिंच। आगे देखेंगे। 103 एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 103 इसका राइट उत्तर हो जाएगा एकता कपूर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? क्वेश्चन नंबर 104 इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोनिस
पलासियोस निकारागुआ, चलिए नहीं सीखेंगे। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने की? क्वेश्चन नंबर 105, इसका राइट उत्तर हो जाएगा शेखर कपूर, ऑप्शन नंबर सी, चलिए नहीं सीखेंगे। हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं? क्वेश्चन नंबर 106, इसका राइट उत्तर हो जाएगा विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी, चलिए नहीं देखेंगे। ओपन आई के सीईओ फिर से कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 107, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैम अल्टमैन। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 108, इसका राइट उत्तर हो जाएगा डायना एडोजी, ऑप्शन नंबर ए, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 109, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी चंद्रशेखर, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पोलिश पेय कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली AI CEO नियुक्त किया है, जिसका नाम क्या है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिका, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? क्वेश्चन नंबर 111, राइट उत्तर हो जाएगा हिली मैथ्यूज, वेस्ट इंडीज़ की हैं, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 112, इसका राइट उत्तर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। आगे देखेंगे, 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? क्वेश्चन नंबर 113, इसका राइट उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। संयुक्त सेनाभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया? क्वेश्चन नंबर 114, इसका राइट उत्तर होगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? क्वेश्चन नंबर 115, इसका राइट उत्तर हो जाएगा पंजाब ने, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य देश कौन बना है? क्वेश्चन नंबर 116, इसका राइट उत्तर हो जाएगा चिली, ऑप्शन नंबर सी, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैम्पियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? 118, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा लाल सामरिया, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? 119, इसका राइट उत्तर हो जाएगा एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 120, किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 120, इसका राइट उत्तर हो जाएगा नंदिनी दास, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 121, बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आगे देखेंगे, वर्ष 2023 के रोहिणी नायर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 122, इसका राइट उत्तर होगा दीनानाथ राजपूत को, चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 123, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव नादर को। फीफा पुरुष विश्व कप 2023-2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्वेश्चन नंबर 124, इसका राइट उत्तर होगा सऊदी अरब, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया है, जिनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 125, इसका राइट उत्तर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बेलेन डी ओर पुरस्कार जीता है? क्वेश्चन नंबर 126, इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एताना
वो नमाती। आगे देखेंगे, हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक 40 बार में लगाने वाले कौन बल्लेबाज कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 127, इसका राइट उत्तर है ग्लेन मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 128, इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार, सॉरी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में संयुक्त सेनाभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 129, राइट उत्तर होगा नेपाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, आईएसआर ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 130, इसका राइट उत्तर होगा चंद्रा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 131, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हितेश कुमार। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 132, इसका राइट उत्तर हो जाएगा 16 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 133, इसका राइट उत्तर हो जाएगा डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 134, किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? क्वेश्चन नंबर 134, इसका राइट उत्तर होगा रचिन रविंद्र को, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। 135 नंबर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शिमला। 2023 डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? 136 नंबर, इसका राइट उत्तर होगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 137, राइट उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सैदना मुफद्दल सैफुद्दीन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? क्वेश्चन नंबर 138, इसका राइट उत्तर हो जाएगा फातिमा बीबी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 139, इसका राइट उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? क्वेश्चन नंबर 140, इसका राइट उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त सेनाभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 141, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 142, इसका राइट उत्तर हो जाएगा सौरव गांगुली को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 143, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। आगे देखेंगे, आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 144, इसका राइट उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 146, इसका राइट उत्तर होगा किश्तवाड़, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएँ शुरू कर दी है? क्वेश्चन नंबर 147, राइट आंसर होगा कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश की बीच आयोजित किया जाता है? इसका राइट उत्तर होगा यूएसए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे,
149 अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन नंबर 149 इसका राइट उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 150 ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 150 इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 151 इसका राइट उत्तर होगा वीरदास, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 152 इसका राइट उत्तर होगा निर्मला सीतारमन जी ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 153 इसका राइट उत्तर होगा गोवा में, ऑप्शन नंबर डी। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? क्वेश्चन नंबर 154 इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 155 इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों होगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर होगा बी और सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 156 इसका राइट उत्तर होगा शाहीन आफरीदी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 157 ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? क्वेश्चन नंबर 157 इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 158 इसका राइट उत्तर होगा फरीदाबाद में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 159 इसका राइट उत्तर होगा शीतल महाजन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? क्वेश्चन नंबर 160 इसका राइट उत्तर होगा 1037। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में ICC ने किस क्रिकेट देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? क्वेश्चन नंबर 162 इसका राइट उत्तर होगा ग्वालियर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, रेलटेल ने दूरसंचार IT और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? 163 इसका राइट आंसर होगा REC लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 164 इसका राइट उत्तर होगा संग्राम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी बार बेलन डी'ओर पुरस्कार दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 165 इसका राइट आंसर होगा 8वीं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? क्वेश्चन नंबर 166 इसका राइट उत्तर होगा प्रलय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 167 इसका राइट उत्तर होगा IRCTC, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? क्वेश्चन नंबर 168 इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजित किया है? क्वेश्चन नंबर 169
इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंदौर ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है 170। इसका राइट उत्तर होगा महाराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 171। इसका राइट उत्तर होगा सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। 172। इसका राइट उत्तर होगा ग्लेन मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया। 173 नंबर। इसका राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया। क्वेश्चन नंबर 174। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रुसेल्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 175। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वाधवानी इंस्टीट्यूट। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत के किस चेस खिलाड़ी ने जीता। 176। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर वैशाली ने। 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। क्वेश्चन नंबर 177। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। चलिए आगे देखेंगे, हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 178। इसका राइट उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर ए। भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 179। इसका राइट उत्तर होगा इटली ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 180। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शमी। आगे देखेंगे, चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 181। इसका राइट उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 182। इसका राइट उत्तर होगा लुलू हाइपर मार्केट के साथ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिएगा, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 183। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने। 184 नंबर, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 184 का आंसर होगा वानखेड़े स्टेडियम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है। क्वेश्चन नंबर 185। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ब्यूटी वर्ल्ड मेडलिस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। 186 नंबर। इसका राइट उत्तर होगा दुबई, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 187। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया है। 188 नंबर। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 189। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेविड विली ने। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है। 190। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलिंस। चलिए नहीं सीखेंगे, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। 191। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 111।
आगे देखेंगे, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 192, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम गंभीर को। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है, वह किस देश के निवासी थे? क्वेश्चन नंबर 193, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? 194, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्बेनिया को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 195, इसका राइट आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? 196, इसका आंसर होगा मनु भाकर, ऑप्शन नंबर डी। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन नंबर 197, इसका राइट आंसर होगा आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? 198, इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ किए हैं? क्वेश्चन नंबर 200, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 201, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 31 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में आयोजित एंथुरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? क्वेश्चन नंबर 202, इसका राइट उत्तर होगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त सेनाभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरो छानी में आयोजित किया गया? तो 203 का आपका राइट आंसर होगा मलेशिया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाल में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 204, इसका राइट उत्तर हो जाएगा राजकुमार राव, ऑप्शन नंबर सी। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 205, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर के गोयल। क्वेश्चन नंबर 206, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 206, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर 207, इसका राइट उत्तर होगा CBSE। आगे देखेंगे, हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है? क्वेश्चन नंबर 208, इसका राइट उत्तर होगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 209, इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। जूनिपर वृक्ष को किस केंद्रशासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 210, इसका राइट आंसर होगा लद्दाख, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 211, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टैपेन ने। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? क्वेश्चन नंबर 212, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर गुजरात में। आगे देखेंगे, किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में डीजी कवच लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 213, इसका राइट आंसर होगा गूगल, ऑप्शन नंबर बी। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। चलिए नहीं सीखेंगे। हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक डीजी कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 215। इसका राइट आंसर होगा साधना सक्सेना नायर। आगे देखेंगे, यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 216। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद बागची। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? क्वेश्चन नंबर 217। इसका राइट आंसर होगा 64वें, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 218। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? क्वेश्चन नंबर 218। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुभमन गिल। चलिए नहीं सीखेंगे। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 219। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? क्वेश्चन नंबर 220। इसका राइट आंसर होगा जीना महसा अमीनी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 221। इसका राइट आंसर होगा 111वां, ऑप्शन नंबर डी। चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 222। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। क्लाडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन नंबर 223। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र। राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा सुजानगढ़ कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? क्वेश्चन नंबर 224। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 53। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 225। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट 15B। आशियान गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 226 नंबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 107। चलिए नहीं सीखेंगे। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? क्वेश्चन नंबर 227। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 91वां। आगे देखेंगे, किस देश के लेखक जान ओलाव फास को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन नंबर 228। इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में मोंगी जी बॉमेटी लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एकीमो को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन नंबर 229। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रसायन के क्षेत्र में। आगे देखेंगे, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 230। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति। चलिए नहीं सीखेंगे। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? क्वेश्चन नंबर 231। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। चलिए नहीं सीखेंगे। कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन नंबर 232। इसका राइट आंसर होगा चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 233। इसका राइट आंसर होगा ज़ीलैंडिया, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300+ स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? क्वेश्चन नंबर 234। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेक्स्ट देखेंगे, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 235। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमिला मलिक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? क्वेश्चन नंबर 236, इसका राइट आंसर होगा 54वां। इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 237, इसका राइट आंसर होगा मार्को बेजेची। चलिए नहीं सीखेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? क्वेश्चन नंबर 238, इसका राइट आंसर होगा जापान ने, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नहीं सीखेंगे। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? क्वेश्चन नंबर 239, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज यादव ने। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हमून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 240, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी दिया है राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 141, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक गाडगिल को। चलिए नहीं सीखेंगे। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? 242 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उन्नति हुड्डा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता? क्वेश्चन नंबर 243, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 244, इसका राइट आंसर होगा शैलेश कुमार, ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेशन चक्र सेकेंड किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया है? क्वेश्चन नंबर 245, इसका राइट आंसर होगा CBI, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 246, इसका राइट आंसर होगा REC लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 247, इसका राइट आंसर होगा नमो भारत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नहीं सीखेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 248, इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 249, इसका राइट आंसर होगा होप इनिशिएटिव, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? क्वेश्चन नंबर 250, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ किए हैं? क्वेश्चन नंबर 251, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। चलिए नहीं सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 252, मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 252, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान ने। चलिए नहीं सीखेंगे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्लू अर्जुन, ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य का कितने रुपए बढ़ाया है? क्वेश्चन नंबर 254, इसका राइट उत्तर हो जाएगा 150 रुपये,
ऑप्शन नंबर ए। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023-28 को किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 255। इसका राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू जी ने, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नहीं सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 256। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? क्वेश्चन नंबर 256। इसका राइट आंसर होगा रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? क्वेश्चन नंबर 257। इसका राइट आंसर होगा वियतनाम में, ऑप्शन नंबर ए। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 258। इसका राइट आंसर होगा मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? क्वेश्चन नंबर 259। इसका राइट आंसर होगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। चलिए नहीं सीखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 को के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? क्वेश्चन नंबर 261। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को, स्क्वैश को, क्रिकेट को और बेसबॉल। चलिए नेक्स्ट। वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 262। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर होगा वियतनाम में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? 264 नंबर। इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन अजय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 265। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? क्वेश्चन नंबर 265। इसका राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा को, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? क्वेश्चन नंबर 266। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिकांता एच होबलीधर ने। क्वेश्चन नंबर 267। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 267। इसका राइट आंसर होगा NTPC, ऑप्शन नंबर बी। G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 269। इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है? क्वेश्चन नंबर 269। इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? क्वेश्चन नंबर 270। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? क्वेश्चन नंबर 271। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरा युवा भारत। भारत और तंजानिया के रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? क्वेश्चन नंबर 272। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 साल। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? क्वेश्चन नंबर 273। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। क्वेश्चन नंबर 274। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? क्वेश्चन नंबर 274। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जाति।
संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? 275 नंबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 449। इसराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? क्वेश्चन नंबर 276। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? 277 नंबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुकेश अंबानी। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? क्वेश्चन नंबर 278। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28। चलिए नहीं सीखेंगे। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? 279 नंबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोची में। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी को। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 281। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जोइता गुप्ता को। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? क्वेश्चन नंबर 282। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्वैश। आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? क्वेश्चन नंबर 283। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर को। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 284। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अन्नु रानी। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय करने के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? क्वेश्चन नंबर 285। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 286। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजय जडेजा को। भारत के बाहर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 287। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए में। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 288। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? क्वेश्चन नंबर 289। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.30%। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 290। इसका राइट आंसर होगा कैमूर, ऑप्शन नंबर सी। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? 291 नंबर क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनिका बत्रा। चलिए नहीं देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? क्वेश्चन नंबर 292। इसका राइट आंसर होगा फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर सी। जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 293। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिडबी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? क्वेश्चन नंबर 294। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 40वां। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी शुरू करने जा रही है? क्वेश्चन नंबर 295। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 296। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2018 एवरीवन इज अ हीरो। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? क्वेश्चन नंबर 297। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीपेंद्र सिंह एरी ने।
दादासाहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 298, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वहीदा रहमान को। हाल ही में खबरों में रहा झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है? क्वेश्चन नंबर 299, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत नेपाल। किस शिक्षक को बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 300, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खान सर। हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 301, इसका राइट आंसर होगा मार्को बेजेंची, ऑप्शन नंबर बी। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? क्वेश्चन नंबर 302, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेफाली वर्मा। क्वेश्चन नंबर 303, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य यूटी में लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 303, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? क्वेश्चन नंबर 304, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा निशानेबाजी में। बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वाति नायक को। 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 306, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय तटरक्षक बल। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है? क्वेश्चन नंबर 307, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट में नंबर वन टीम कौन बन गया है? क्वेश्चन नंबर 308, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 309, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत शीत आरक्षण दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 310, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33%। दोस्तों ये हैं 310 क्वेश्चन, बाकी 812 क्वेश्चन में से 310 क्वेश्चन हो गए हैं, और जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। मैं करंट अफेयर स्पीडी का करंट